तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से हरिहरेश्वर 37 किलोमीटर है। बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है, ट्रांस बहुत ज्यादा बाइकर्स है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डेट है 4 जून 2021 और मैंने हरिहरेश्वर की प्लानिंग की है, बाय रोड जाने वाला हूँ ऑब्वियसली मेरे एक्सट्रीम के साथ। तो गाइस अब सीन ऐसा है कि बाय रोड जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली रोड पर रिस्ट्रिक्शन तो रहती ही है अभी के टाइम पे। सो अभी मुझे भी पता नहीं है कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी कहाँ पे नहीं। डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रॉपर कैरी किए मेरे सब, सो अभी पता चलेगा आपको भी और मुझे भी कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ पे कुछ चेकिंग होती है, कहाँ पे कुछ पेपर अगर दिखाना है। रूट है वो मतलब कोंकण रोड से होगा, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जो कोंकण से होके जाता है जैसे कि इंदापुर वगैरह होके, तो वो मेरा रूट रहेगा। तो वीडियो एंड तक आप जरूर देख लेना और पता चल जाएगा अगर आपको भी आना है ये रोड पे ट्रैवल करना है, मतलब ये डेस्टिनेशन से हरिहरेश्वर जैसे कि श्रीवर्धन वगैरह के लिए, तो आपको क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कहाँ कहाँ ये पूछते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी लेंगे यहाँ से लेफ्ट जो कि खालापुर की तरफ है, जो सेम रोड अलीबाग भी जाता है। तो अभी मैंने खालापुर क्रॉस किया है, मतलब अब तक तो सब सही जा रहा है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, देन अभी भी यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और अभी देखते हैं नागोटने वगैरह वो सब आना बाकी है, तो वहाँ पे भी कुछ चेक पोस्ट है देखती। तो अभी पाली जिले जाएगा जो बल्लभेश्वर गणपति जी का मंदिर है। पिछले पांच छह साल से मैंने ये रोड से ट्रैवल किया ना, जब भी आया ना ये रोड का काम अभी भी चल ही रहा है इतने साल से। मेरे राइट साइड में इमोजी का है जो कि मुझे लगता है फिलहाल बंद ही है। तो पाली यहाँ से अंदर जाओगे तो फिर बल्लभेश्वर गणपति जी का मंदिर है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 8:20 हो गए, रोड इतनी खराब है, मतलब ये रोड तो हमेशा से खराब ही है, मतलब काम चल ही रहा है इसका ब्रिज का, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बट ठीक है 180 किलोमीटर है तो मैंने कैलकुलेट करके ही चल रहा हूँ मैं। तो भाई ये है नागोटने फाटा, अभी यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और बहुत सारे टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं MH05 MH03। तो मतलब जो अनलॉक है, अच्छा यहाँ पे चेक पोस्ट है गाइस, तो आप देख लेना आप कैसे हैंडल करोगे। मुझे तो रोका नहीं और यहाँ पे कोई रोकने वाला थे भी नहीं, सिर्फ एक ही थे। और ये अपना गोवा हाईवे, ये ब्रिज के आगे भी एक चेक पोस्ट है। ओके यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट था लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है। तो ठीक है मतलब अब तक तो सही जा रहा है सब कुछ। और यहाँ से इंदापुर 27 किलोमीटर है, मैंने पहले कुछ 90 किलोमीटर समथिंग बोला था, इट वॉज रॉन्ग, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट इट्स 27 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और ये तो हाईवे अभी स्ट्रेट टू स्ट्रेट है, अच्छा रोड है ये। अरे क्या कर रहा है। और इंदापुर के बाद अपने को लेना है राइट। सोच रहा हूँ इंदापुर में कुछ नाश्ता वेस्टा करने के लिए रुकूँ, होटल सब भी मैंने देखे बहुत सारे होटल्स ओपन है, मजा आ रहा है भाई। क्योंकि एक बात बोली ना, रोड सब खाली है, मतलब आप अभी देख ही लो, मतलब देख भी रहे होंगे पूरे रोड खाली है, ज्यादातर लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि जस्ट अभी अनलॉक हुआ है धीरे धीरे, तो रोड एकदम से खाली है, मस्त ये मजा आता है चलाने में ऐसे टाइम पे, फटाफट डिस्टेंस भी कवर होता है। बस डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कैरी कर लेना साथ में और नाश्ते वास्ते का भी कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं गाइस, क्योंकि स्नैक सेंटर सब जगह ओपन है। मैंने अभी जस्ट रास्ते में भी देख रहा था आते आते और आपने भी देखा रहेगा, अभी जस्ट मैंने नागोटने में जो लेफ्ट टर्न लिया तो स्नैक सेंटर काफी सारे ओपन है, तो ब्रेकफास्ट का वगैरह कोई टेंशन नहीं है। मैंने जैकेट जो मेरा लिया है सोलेस का,
एक्चुअली जब से ये लिया तब से पहनने का चांस ही नहीं आया, मतलब जब से लिया था उसके बाद सेकंड वेव आ गई तो सब जगह फिर से लॉकडाउन हो गया, तो राइड पे तो जा नहीं सकते, तो इसको पहनने का चांस ही नहीं आया था। तो आज मैं इसको पहन रहा हूँ और अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा जबरदस्त है, मतलब काफी सही फील हो रहा है, एकदम अलग सी फीलिंग आ रही है। और ना इसमें ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने रेन लाइनर तो वैसे भी निकाल लिया है, और ना ज्यादा ठंडी लग रही है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है इसका रिव्यू के ऊपर, और जहां से मैंने परचेस किया है उसके ऊपर आप मेरे पुराने ब्लॉग जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर ये वीडियो देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक प्रॉपर रिव्यू भी मिल जाएगा। और अभी तो एकदम मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि ये बहुत सही जैकेट है। तो इंदापुर सिटी, फिर मुझे भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा सा होटल देखना पड़ेगा। मुरुड़ 53 किलोमीटर है यहाँ से, रत्नागिरी 230। देखो मार्केट वगैरह सब अच्छे से खुले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे रुकू के मानगांव में रुकू सोच रहा हूँ, मानगांव 9 किलोमीटर है यहाँ से, देखते हैं इंदापुर रुकते के मानगांव रुकते कोई अच्छा सा होटल दिखता है इंदापुर में रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं गणपति बुले जब जा रहा था तब कुछ खास ओपन नहीं थे, जल्दी निकला था तो मैं मानगांव में जाके मैंने नाश्ता किया था। बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है ट्रायंथ, बहुत ज्यादा बाइकर्स है, तो जब बाइकर बाइकर कम्युनिटी मिलती है तो थम्सअप होना लाजमी है। कवासाकी Z900 थी, देन ट्रायंथ थी, अनलॉक हो गया भाई, बाइकर निकले तो फिर खत्म बात, मजा आ गया, ऐसा लगता है दूसरे दोस्त मिल गए जब बाइकर कम्युनिटी मिलती है। मानगांव और मुझे लगी है जोर की भूख। इंदापुर में कुछ खास ओपन नहीं था तो मानगांव आया, अब यहाँ से कुछ खाके निकलते हैं भाई। सो आई एम एट मानगांव होटल वक्रतुंडा, तो यहाँ पे ठहरा है कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ, देन यहाँ से कुछ एक डेढ़ घंटे का जर्नी है तो जाएंगे हरिहर शिविर की तरफ, और चल रहा है काम और अपना ब्रेकफास्ट आ गया, सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ और थोड़ा काम करते करते और फिर निकलते आगे। तो दबा के अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी यहाँ से लूँगा लेफ्ट टुवर्ड्स हरिहरेश्वर, टाइम हुआ है 10:23। एक्चुअली कुछ काम करते बैठा था तो उसमें टाइम चला गया, अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है अप्रॉक्स, तो गूगल आंटी तो डेढ़ घंटा बता रही है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है, डिपेंड अपन ट्रैफिक रोड कंडीशन। तो गाइस एक छोटा सा राइट है वो लेने के बाद, अभी रास्ता तो काफ़ी ख़राब है बिकॉज काम भी चल रहा है यहाँ पे रास्ते का, तो अभी अपना थोड़ा स्पीड स्लो हो गया, स्लो छोटा सा राइट था एक्चुअली, दिखा ही नहीं, पूछा वहाँ के लोकल लोगों से तो उन्होंने बताया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा आगे निकल आया था। वहाँ पे झाड़ की कटाई हो रही है, अरे यार कितना अच्छा हरा भरा पेड़ था, पूरा तोड़ डाला, बहुत बुरा लगता है यार पेड़ ऐसे काटते हैं। जितने काटे उतने जब रोड बन जाएगा तब लगाओगे तो सही बात है। तो थोड़े खराब रास्ते के बाद अच्छा रास्ता आया है और ये अपना घाट सेक्शन हो गया स्टार्ट, चलो घाट सेक्शन में तो एटलीस्ट अच्छा रोड है। अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी फील हो रही है, 10:30 हो गया ऑलमोस्ट, अब तक तो सही जा रहा है। हरिहरेश्वर अप्रॉक्स 45 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, और हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अगर एकदम हल्की सी है आई होप बड़ी ना हो जाए। वहाँ क्या नज़ारा है सामने का,
सब जगह लाल लाल लग रहा है, इतने सारे पेड़ काटे रहेंगे। अगर तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, साई चेक पोस्ट नसारा, तो यहाँ पे भी फिलहाल चेकिंग तो नहीं है, लाइक पुलिस वगैरह है अंदर बैठी हुई। ये बड़ा चेक पोस्ट लग रहा है, जिस तरह से लोकेशन है और जो बैरिकेड्स लगाए हैं उस तरह से देख के यही लगता है, बट अभी रुकाया तो है नहीं, चेकिंग तो नहीं की। ठीक है, ये रोड इतना खूबसूरत है, दोनों साइड पेड़ पौधे, बीच में से रोड। हालांकि जानता है कुछ दिन बाद ये रहेगा नहीं, क्योंकि पीछे से रोड होके आ रहा है कंस्ट्रक्शन। सर ऐसे रोड में ही मजा आता है गाड़ी चलाने का, पर क्या करें, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग जो तोड़ ताड़ कर रहे हैं वो। अरे पूरा ओटन हो गया, तो मजा आया। वो पूरा यू से भी ज्यादा कर्व है, इसे बोलते हैं रोड। कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आता है चलाने में, तो एक्साइटमेंट लगता है। यहाँ पे भी चेक पोस्ट है, अब जाना कहाँ पे, देवघर आरवी हरिहरेश्वर, ये साइड। ओके हरिहरेश्वर के लिए लेफ्ट, मेरे को जाना है हरिहरेश्वर तो लेफ्ट से, ये छोटा रोड। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से हरिहरेश्वर 37 किलोमीटर है, सीवर्धन 20, दिव्यागर 18 किलोमीटर, और ये मसाला है। अच्छा 1 किलोमीटर वहाँ पे है, तो हरिहरेश्वर के लिए अपने को यहाँ से लेफ्ट मारना पड़ेगा, 37 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रोक्स कुछ 15-20 किलोमीटर रहेगा हरिहरेश्वर, बट जो बीच है वो मुझे यहाँ से दिख रहा है, काफी कमाल का सीन है। चलो चलते आगे, एक्चुअली घाट सेक्शन है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और रास्ता भी ओके है, ये कुछ इस तरह से, बीच में अच्छा, बीच में खराब, अभी आ गया अच्छा। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, दूर दूर तक बस ग्रीनरी, बस देखते ही रह जाए। ओके सर, द टाइम इज 11:53 एंड आई हैव रीच हरिहरेश्वर। दिस ऑलमोस्ट 12:10 और मैं हरिहरेश्वर में हूँ, और जो होम स्टे लिया था मैंने उसमें मैं रुका हूँ। एक्चुअली ओनर जो थे वो बोले कि आप ही पहले कस्टमर हो जो अभी अनलॉक के बाद आए हो, अभी तक कोई आया नहीं है। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको रूम का टूर दे दूंगा, और मैं बीच पे जाने वाला हूँ। बीच पे क्या रूल्स है, मतलब कि बीच ओपन है या नहीं, या फिर यहाँ के टेम्पल्स ओपन है कि नहीं, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय।